Hello everyone, this is Ashish Jain. In this lecture video, we will see how to create a registration form with the help of HTML. So, देखिए जैसे आपने last video lecture में देखा था, हमने एक छोटा सा form देखा था कि form कैसे करते हैं, कैसे create करते हैं form tag से, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि किस 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 तरीके से हम जो है like जो input type देते हैं, box के करना है, टेक्स्ट के फॉर्म में अल्फाबेटिकल के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी एज होता है तो हम न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ऐसे में आज हम और वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट टाइप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि कैसे कैसे क्रिएट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद HTML हेड टाइटल. लेट्स से form title HTML sorry head तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे body tag से. एक heading देते हैं H1 with underline, so u tag registration form pehle hum close karenge u tag that is underline and then h1 tag for heading. isko chaliye align center mein kar dete hain. देन अब एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्म टैग ओपन करेंगे. स्टार्ट विथ पैराग्राफ बोल्ड, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था. फर्स्ट नेम अब बोल्ड पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है? अब इनपुट टाइप equal to text max length equal to 30, ठीक है? अब देखो जैसे बॉक्स में लिखा है वहां पर कि पैराग्राफ में यूज कर अपने क्या यूज करो पी देन बोल्ड फर्स्ट नेम, ठीक है? इसके बाद इनपुट टाइप बॉक्स में आएगा 30, उसमें आप जो अल्फाबेट फिल कर सकते हो. अब मान लीजिए किसी को एक इंडिकेशन देना है कि आप वहां पर क्या लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे इन बॉक्स में वहाँ पर पहले से लिखाएगा दैट एक्चुअली यू नीड टू फिल ओनली दी फर्स्ट नेम. सो यहाँ पर देते हैं एक वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट नेम, ये हो गया. इसके बाद बस पैराग्राफ क्लोज करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पी देन बोल्ड देन एज लास्ट नेम. एक काम करते हैं, इसको कॉपी ही कर लेते हैं. ठीक है, एंड देन इसको लास्ट नेम कर देते हैं. वैल्यू भी लास्ट नेम आ जाएगी. देन ऐसे ही लॉगिन नेम, सो मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा दैट इज लॉगिन नेम. वैल्यू में आ जाएगा लॉगिन नेम, दैट्स इट. अब स्टार्ट विथ पी बोल्ड. पासवर्ड के लिए देखिए पासवर्ड, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन रहा है. अगर पासवर्ड पहले हम बोल्ड क्लोज कर देते हैं. अब यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप क्या होगा. देखिए जब भी आप कहीं पर कहीं पासवर्ड एंटर करते हो तो वहाँ पर एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है. दैट मींस अगर आप किसी के सामने पासवर्ड एंटर कर रहे हो सो दैट इज़ नॉट विजिबल टू यू टू एनी अदर पर्सन, ठीक है? वो डॉट डॉट वहाँ पर आता है, ठीक है?
ठीक है, वो क्या बताया जब आपको इनपुट टाइप क्या हो, पासवर्ड हो। अगर यहाँ पर मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में शो होगा कि आपने पासवर्ड क्या पुट किया हुआ है, ठीक है, दैट मीन इट वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है सो इनपुट टाइप मस्ट बी पासवर्ड। सो ये हो गया, बस अब इसको क्लोज कर देंगे पैराग्राफ को। नाउ अब जैसे पासवर्ड में देखिए रीटाइप पासवर्ड भी आता है, तो इसको भी सेम ऐसे कर देते हैं। रीटाइप योर पासवर्ड बोल्ड क्लोज एंड देन इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, अगेन इट मस्ट बी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, देन क्लोज द पैराग्राफ। ये हो गया। उसके बाद माने जैसे ईमेल, सो पी बोल्ड ईमेल बोल्ड क्लोज इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसमें हमें मैक्स लेंथ भी पुटअप कर देते हैं बिकॉज किसी का पासवर्ड ऐसे सॉरी ईमेल काफ़ी बड़ी होती है, तो लेट्स से 15 एंड क्लोज पैराग्राफ। देन फॉर करंट एड्रेस करंट एड्रेस, देखिए करंट एड्रेस में तो काफ़ी बहुत बड़ा एड्रेस होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक टेक्स्ट एरिया फॉर्म करते हैं, जैसे हम लास्ट उसमें किया था, तो टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल टू 5 कर देते हैं एंड कॉल्स इक्वल टू 20। टेक्स्ट एरिया क्लोज देन पैराग्राफ क्लोज। अब चलिए डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो चेंज किया था, बोल्ड क्लोज फिर इनपुट टाइप इक्वल टू डेट पैराग्राफ क्लोज, देन सपोज योर हॉबीज देन लेट्स यूज सम लाइक चेकबॉक्स उसके लिए, सॉरी योर हॉबीज बी आर ऑप्शन देते हैं फिर हम, लाइक इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स लेट्स से म्यूजिक को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ देते हैं सपोज कंप्यूटर, देन नेक्स्ट वन है सपोज मोबाइल फोन, देन लेट्स से अनदर ऑप्शन एयर कंडीशनर, ठीक है। अब हम पैराग्राफ क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर सपोज मेरी हॉबी है सपोज इन लेजर टाइम आई बेसिकली यूज टू लिसन म्यूजिक, सो क्या करते हैं यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर हम कर देते हैं चेक्ड इक्वल टू चेक्ड, ताकि वहाँ पर वो टिक पहले से आ जाए, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेट्स स्टार्ट विद अनदर पैराग्राफ लाइक
would like to receive articles in your account inbox अब येस और नो का ऑप्शन होगा तो उसमें येस ऑप्शन किस में होगा रीडू बटन में तो कैसा होगा देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो मान लीजिए वो येस है तो चेक्ड इक्वल टू चेक्ड क्लोज एंड देन गिवन ऑप्शन येस लेट्स कॉपी दिस एंड यहाँ पर करते हैं इसको नो बट यहाँ पर चैट इक्वल टू चैट उसको हटा देते हैं बिकॉज वी नीड टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन नाउ अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको एक बी आर टैग ओपन कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैराग्राफ अच्छा मैंने आई थिंक यहाँ पर पैराग्राफ अब तक ठीक है मैंने अगर नहीं किया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा पैराग्राफ मुझे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये पैराग्राफ मैंने ओपन किया हुआ था पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं अब मान लीजिए फॉर्म सबमिट करते हो फॉर्म जब वो कमिट करते हो उसको सबमिट करते हो ठीक है या फिर उसको रीसेट करने का ऑप्शन है तो कैसे करोगे देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट ऐसे ही साथ में जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट वहाँ पर बटन आपके क्रिएट हो जाएंगे बस अब उसके बाद फॉर्म क्लोज करेंगे अब जैसे वहाँ पर देखिए लास्ट लास्ट में कहा था लाइक आप जैसे मान लीजिए कोई एक वहाँ पर एक लिंक क्रिएट करना चाहते हो लाइक क्लिक हियर फॉर फर्दर डिटेल्स तो उसके लिए क्या होगा देखिए पैराग्राफ ओपन करेंगे जो कोई भी लिंक क्रिएट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं ए एच आर ई एफ सॉरी यहाँ पर स्पेस आएगा ए एच आर ई एफ इक्वल टू ठीक है अब मान लीजिए मेरे पास ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं लेट्स से मान लीजिए मैं कोई एक जैसे टेबल टू है ये ठीक है मैं इसको कर लेता हूँ लेट्स से एच आर ई एफ टेबल टू डॉट एच टी एम एल ठीक है और फिर हमारे जगह क्लिक हियर फॉर फर्दर डिटेल्स देन ए क्लोज एंड देन पी क्लोज बस अब बॉडी क्लोज एंड देन एच टी एम एल क्लोज दैट्स इट नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस हम कर देते हैं फॉर्म डॉट एच टी एम एल Save as file, all files, save. Right click, open with Google form. Here is the registration form. अब देख सकते हो कि हमने step by step कैसे कैसे किया. देखिए HTML head, title name, और आपका form, body. की हेडिंग जो एच वन है अलाइन सेंटर है आपका अंडरलाइन में आ रहा है ठीक है फॉर्म स्टार्ट किया हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टू दिस देखिए वैल्यू देखिए फर्स्ट नेम मैंने लिखा था कि यहाँ पर फर्स्ट लिखा है ठीक है ऐसे लास्ट देखिए जैसे मैं मान लीजिए मैंने लास्ट नेम नहीं लिखा देखिए जैसे मैंने लास्ट नेम नहीं लिखा सपोज मैंने कुछ वैल्यू पुट अप ही नहीं करी ठीक है कंट्रोल प्लस एस एंड रिफ्रेश करता हूँ अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ठीक है तो वैल्यू देने का पर्पस ही होता है ताकि जो फिल कर रहा है
उसको पता होना चाहिए कि वो क्या फिल करना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी लिखूँगा तो देखिए वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, सेम एज एन रीटाइप पासवर्ड में। क्यों? क्योंकि हमने जो है इनपुट टाइप क्या लिखा था, पासवर्ड। ठीक है, फिर आपका ईमेल है, देन डेट ऑफ बर्थ, देखिए आपका डेट में आ रहा है, एड्रेस देखिए आपका क्या है, टेक्स्ट एरिया में फॉर्म में आ रहा है, देन योर हॉबीज, देखिए म्यूजिक पे ऑलरेडी टिक्ड है बिकॉज मैंने आप लिखा था चेक्ड इक्वल टू चेक्ड। ठीक है, देन मैंने इसको येस पे ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ था, एंड देन लास्ट में कुछ नहीं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, देखिए यहाँ पर दो बटन आ रहे हैं सबमिट एंड इसके, एंड क्लिक करो फॉर द डिटेल्स, जैसे मैंने मैं क्लिक करूँगा, अच्छा मैंने शायद टेबल मैंने ठीक से सेलेक्ट नहीं की, कोई नहीं, वो आई थिंक मैंने इसका लोकेशन गलत डाला हुआ है, बाकी ये फॉर्म है आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक, दैट इज हाउ टू क्रिएट फॉर्म। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इतना एटलीस्ट स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल। बाकी हम फर्दर और एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।